आजम खां की जमानत अर्जी पर फैसला आज। इलाहाबाद हाई कोर्ट दोपहर 3:45 पर सुनाएगा फैसला। वक्फ बोर्ड की जमीन को लेकर दर्ज हुआ था मामला, जमीन गलत तरीके से अपने पक्ष में कराने का मामला। इलाहाबाद हाई कोर्ट पर विचाराधीन मुकदमों का बढ़ा बोझ, हाई कोर्ट में 10,29,000 मुकदमे लंबित। बार एसोसिएशन अध्यक्ष ने चीफ जस्टिस को लिखा पत्र, इलाहाबाद हाई कोर्ट में जजों के 160 पद स्वीकृत हैं। ज्ञानवापी मस्जिद मामले में सुनवाई, कमिश्नर बदलने की याचिका को लेकर सुनवाई। ज्ञानवापी मामले की अगली सुनवाई आज होगी। अधिवक्ता कमिश्नर को बदलने को लेकर होगी सुनवाई। अब तक हुए सर्वे की रिपोर्ट भी आज सौंपी जाएगी। भारत में बच्चों के टीकाकरण में भारत को बड़ी कामयाबी। 12 से 14 वर्ष के 3 करोड़ बच्चों को टीका लगाया गया। 3 करोड़ बच्चों को कोरोना वैक्सीन की पहली डोज लगाई गई। ताजमहल के कमरे खोलने को लेकर याचिका, हाई कोर्ट की लखनऊ पीठ में दायर की याचिका। बीजेपी नेता ने दायर की लखनऊ पीठ में याचिका। लखनऊ पीठ में आज होगी मामले को लेकर सुनवाई।